गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आप सब लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताई थी। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस बताए थे कि ठीक है कैसे सेवल इसके फंक्शन है, सेवल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एंड आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन चलेंगे। देखो, पहला है सिंपल बैच सिस्टम्स। यहाँ क्या होता था, सिंपल बैच सिस्टम को मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी जिससे आपकी जो डिस्क है ना उसमें पूरा हार्ड डिस्क में पूरा सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, उनको सेव करके रखना है। देखो, सिंपल बैच सिस्टम में क्या होता था, जो प्रोग्रामर है वो जॉब्स को प्रिपेयर करता था। जॉब प्रिपेयर करने के बाद वो सबमिट करता है किसको, ऑपरेटर को। प्रोग्रामर ने जॉब प्रिपेयर किया और वो किसको, ऑपरेटर को सबमिट करता। और ऑपरेटर क्या करता, जो सेम टाइप्स की जॉब्स होती थी उनको ग्रुप करता और किसको सेव, किसको दे देता, वो प्रोसेस को दे देता, बैच को, उस प्रोसेस को बना के सारा ग्रुप करके और इनपुट कर दिया करता था। कौन, ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया, सिंपल बैच सिस्टम। इसमें क्या होता था, आप देख लो, देखो सारे पॉइंट्स मैंने बहुत इजी में लिखे हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, देखो, पहला है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली प्रोग्राम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रोग्रामर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्या प्रोग्रामर क्या करता है, पहले जॉब्स जो भी वो प्रोग्रामर प्रिपेयर करता है और वो किसको देता है, ऑपरेटर को देता है। वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है सिस्टम से एक्चुअली, है ना। फिर क्या कहता था, या सेकंड पॉइंट, द यूजर हैज़ टू सबमिट अ जॉब। मैंने पहले बताया आपको, यूजर हैज़ टू सबमिट अ जॉब। जॉब किस पे लिखी हुई है भाई, ये लिखी हुई है किसी कार्ड पे या फिर टेप पे, टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, जॉब देता किसको, कंप्यूटर ऑपरेटर को। देन कंप्यूटर ऑपरेटर प्लेसेस अ बैच ऑफ सेवरल जॉब्स ऑन एन इनपुट डिवाइस। देन कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, उन जॉब्स को कहाँ प्लेसेस करता था, जो भी सेवरल जॉब्स हैं उनको इनपुट डिवाइस पर प्लेस करता था। देन जॉब्स आर बैच्ड टुगेदर बाय टेप, बाय टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड रिक्वायरमेंट्स। जॉब्स जो है वो बैच्ड की जाती है एक साथ ही। बेस्ट करने की जरूरत क्या थी, देखो अगर सेम टाइप्स की जॉब्स को वो बेस्ट कर देता था ना, तो उससे हमारा जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता। ठीक है, सिमिलर टाइप्स की जॉब के एक साथ, ताकि वो सारी एग्जीक्यूट तब भी हो जाएंगी। इसलिए तो यहाँ पर जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम, जो स्पेशल प्रोग्रामिंग मॉनिटर है, वो इन सबके जो एग्जीक्यूशन है, इन प्रोग्राम्स के, वो मैनेज करता था। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स के जो एग्जीक्यूशन है उनको मैनेज करता था। देखो लास्ट पॉइंट है, द मॉनिटर इज ऑलवेज इन द मेन मेमोरी एंड अवेलेबल फॉर एग्जीक्यूशन। जो मॉनिटर है वो कहाँ होता था, ऑलवेज कहाँ अवेलेबल होता था, मेन मेमोरी में। ठीक है, और एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल होता था। तो ये है हमारा क्या, सिंपल बैच सिस्टम। नेक्स्ट देखिए आप, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम में क्या होता है, देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में रिसाइड्स करता था और सीपीयू क्या करता है, इन जो मल्टीपल जॉब्स, यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स की बात हो रही है, यानी कि मोर देन वन जॉब्स होंगी यहाँ पे, तो मल्टीपल जॉब्स वो रन कर रही है, रिसाइड्स कर रही है मेमोरी में। तो सीपीयू क्या होगा, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच होगा जब कर जाता है, एक से दूसरी जॉब पे। अभी उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है किसी भी प्रोसेस को, सेवरल जॉब्स हैं। ठीक है, सेवरल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं एक साथ, तो किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ रही है, किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, तो वो इस पर स्विच हो जाता था। ठीक है, इन दिस वे सीपीयू इज ऑलवेज बिजी, डज नॉट सिट आइडियल। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो सीपीयू है वो ऑलवेज बिजी रहेगा, आइडियल सिट नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे आइडियल सीपीयू कभी भी आइडियल नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सीपीयू हमारा बिजी ही रहेगा, खाली तो नहीं बैठ सकता, उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, देखो पॉइंट्स देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स अप एंड बींग्स टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम मेमोरी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, बींग टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब्स फ्रॉम मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, किसी भी जॉब को पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा मेमोरी से। ठीक है, देन है आपका वंस दिस जॉब नीड्स एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्विचेस टू अनदर जॉब। जॉब क्या है, जब भी किसी भी जॉब को नीड होती है, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो सीपीयू क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है एक से दूसरी
जॉब में, तो इस तरीके से हमारा जो सीपीयू है वो ऑलवेज बिजी रहेगा। जो जॉब जो जॉब्स हैं वो ऑलवेज क्या रहेंगी, लेस देन रहेंगी, कहाँ, मेमोरी में, लेस देन द नंबर ऑफ जॉब्स ऑन डिस्क, देन द नंबर ऑफ जॉब्स ऑन डिस्क, डिस्क की कंपैरिजन में जो मेमोरी में जो जॉब्स हैं वो लेस रहेंगी, है ना, लेस जॉब्स रहेंगी। देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सेवरल जॉब्स आर रेडी टू रन एट द सेम टाइम, अगर सारी जॉब्स रेडी स्टेट में हैं रन होने के लिए एट द सेम टाइम पर, तो सिस्टम चूज करेगा कि कौन सी जॉब जो है रन होगी, है ना, कौन सी जॉब को प्रोसेस करवाना है पहले, किस जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करवाया, सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को हम बाद में पढ़ेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग ही करवाएगा, कि उसको क्या पता है सिस्टम को कि कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, क्या करवाना है, तो ये सब सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू देखेंगे। वो सीपीयू शेड्यूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इन नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम देयर आर मोमेंट्स व्हेन सीपीयू सिट्स आइडल एंड डज नॉट डू एनी वर्क। यहाँ पे क्या है, नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू जो है वो आइडियल बैठ सकता है, ठीक है, कोई कभी भी कोई भी वर्क नहीं भी कर सकता, हो सकता है उसके पास कोई जॉब ही नहीं है तो वो खाली बैठा है, उसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि हम यहाँ नॉन मल्टी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। लेकिन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में कभी भी सीपीयू आइडियल नहीं बैठेगा, वो हमेशा प्रोसेसिंग में रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग का सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, देखो मल्टी टास्किंग, अभी अपन ने मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की, वहाँ देखो प्रोग्राम की बात कर रही थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टास्क की, बिल्कुल ये मल्टी प्रोग्रामिंग और के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो सीपीयू है वो स्विच होता है बिटवीन द टास्क। टास्क क्या, जैसे कि आप बैठे हो, ठीक है, अपने वर्क कर रहे हो मॉनिटर पे, आप वहाँ सेवरल वर्क खोल के बैठे हो, वहाँ सेवरल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है कि आप गेम प्ले भी कर रहे हो, साथ में आपने बीच में देखा कि मुझे कुछ टेक्स्ट एडिटर पर वर्क करना, तो कुछ टेक्स्ट एडिटर खोल के बैठे हो, वो भी चल रहा है, यानी कि सेवरल टास्क पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सीपीयू स्विच हो रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, अब देखो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मल्टीपल प्रोसेसर, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग कब होगी, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, तो यहाँ पे सिस्टम क्या कंटेन करेगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स को कंटेन करेगा, जिसे हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये जो प्रोसेसर है यहाँ पे क्या शेयर करता है, यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो शेयर करता है हमारे सिस्टम बस, क्लॉक और मेमोरी एक्सेट्रा। सो इसको इसलिए अपन क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या भी कहते हैं, टाइटली कपल्ड सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, कभी भी कंफ्यूज मत होना, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात आ रही है यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, मल्टी टास्किंग की बात आ रही है यानी कि मल्टीपल टास्क यहाँ परफॉर्म होंगे, टास्क हमने मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू किसके बीच में स्विच होगा, टास्क के बीच में, और मल्टी प्रोसेसिंग की बात हुई यानी कि मल्टीपल यहाँ पे प्रोसेसर्स अवेलेबल होंगे हमारे पास, यहाँ पे जो सिस्टम है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को कंटेन करके रखेगा। फिर हमारे पास बात आती है टाइम शेयरिंग की, तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है साइमल्टेनियसली, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस कब शेड्यूल हो रही है, हो सकता है एक ही प्रोसेस रन हुई जा रही है, दूसरी का नंबर ही नहीं आता, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम क्वांटम असाइन कर देना, जो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है ना, हर प्रोसेस को एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट होती है, तो यहाँ पे हमें टाइम स्लॉट कर देना चाहिए, जो टाइम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट। देन सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसेस को रन करेगा इंटरैक्टिव मैनर में, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा, जब हम देखेंगे एल्गोरिथम्स देखेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, टाइम क्वांटम कैसे असाइन करते हैं, वो सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू स्विचिंग बिटवीन देम, बट द स्विचेस अकर सो फ्रीक्वेंटली, स्विचेस जो अकर्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकर्स होते हैं, और जो यूजर है वो इससे इंटरेक्ट कर सकता है ईच प्रोग्राम से जब वो प्रोग्राम रन हो रहा हो, ठीक है। ये होता है हमारा टाइम शेयरिंग, राइट। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, और आपको जो भी पॉइंट जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं वापस से बता दूंगी आप सबको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच, और आगे भी वीडियो के देखते रहिए, ओके, और भी वीडियोज अब कल बताएंगे हम।